सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। और साथ ही आप मुझे फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। हाय गाइस, टीएनजी रिव्यूज में आपका स्वागत है। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सैमसंग के J6 की। भगवान का शुक्र है कि इतने टाइम के बाद हमारी प्रार्थना सुन ली गई है और सैमसंग ने अपना बजट रेंज में 18:9 फुल व्यू डिस्प्ले वाला डिवाइस लॉन्च कर दिया है। क्योंकि मैं इतने टाइम से परेशान हो गई थी कि सैमसंग अपना एक ही तरह का डिवाइस रोज नए नाम से लॉन्च कर रहा है, कभी ऑन नेक्स्ट, कभी ऑन मैक्स, कभी ऑन प्राइम, कभी J7 प्राइम, कभी कुछ कभी कुछ। मतलब कि अगर आप सारे डिवाइसेस को एक साथ रख दो तो सैमसंग का एग्जीक्यूटिव भी नहीं बता सकता कि कौन सा जे है, कौन सा मैक्स है, कौन सा प्राइम है, कौन सा है। लेकिन अब अच्छे दिन आ गए हैं क्योंकि सैमसंग का 18:9 फुल व्यू वाला डिस्प्ले हमें मिल रहा है, वो भी सिर्फ 14,000 रुपए की रेंज में। इसको खरीदने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये आपको फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। साथ ही अगर आपके पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो आपको 1500 रुपए का कैशबैक मिलेगा। मतलब कि ये डिवाइस आपको पड़ जाएगा सिर्फ 12,500 रुपए में। अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो ढूंढ लीजिए, किसी ना किसी के पास जरूर होगा, फ्रेंड्स के पास होगा, फैमिली में होगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, क्योंकि 1500 रुपए का कैशबैक भी क्यों नहीं आने देना। आइए अब जल्दी से शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सबसे पहले हमारा डिवाइस है, हमारे पास इसका ब्लैक कलर है। वैसे आपको ये ब्लू और गोल्ड कलर में भी अवेलेबल है। आप देख सकते हैं ये है हमारा डिवाइस। इसके अंदर हमें प्लास्टिक बॉडी मिलती है और डिवाइस सिर्फ 154 ग्राम्स का है। इसकी डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो 149.3 इसकी हाइट है, 70.3 इसकी विड्थ और 8.2 mm इसकी थिकनेस। फिट एंड फिनिश काफी बढ़िया है डिवाइस की और काफी छोटा सा है, आप इसको इजीली हाथ में होल्ड कर सकते हैं, यूज करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्रंट में आप देख सकते हैं हमें 5.6 इंच की इन्फिनिटी डिस्प्ले वाली स्क्रीन मिलती है जो कि देखने में बहुत ही बढ़िया लग रही है। ये एक्चुअली में 18:9 नहीं होता, 18.5:9 है और उसके ऊपर हमारे पास EOPs है, कुछ सेंसर्स हैं और साथ ही 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है LED फ्लैश के साथ। इस डिवाइस के अंदर आपको लाइट सेंसर नहीं मिलते हैं, चिन साइड एकदम क्लीन है डिवाइस की और नीचे की साइड हमारे पास माइक्रो USB पोर्ट है, उसके साथ माइक है, साथ ही 3.5 mm हेडफोन जैक, राइट साइड में पावर बटन, उसके ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स, टॉप साइड एकदम क्लीन है डिवाइस की, लेफ्ट साइड में हमारे पास वॉल्यूम रॉकर्स है, उसके नीचे हमारा सिम स्लॉट जिसमें आपकी एक सिम डलेगी और उसके नीचे हमारा दूसरा सिम कार्ड और उसके साथ मेमोरी कार्ड स्लॉट। इसके अंदर आप 256 GB तक का मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं और आपकी जियो सिम इसके अंदर आराम से चलेगी। बैक बॉटम में आप देख सकते हैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसके ऊपर हमारे पास सैमसंग की बैजिंग है, उसके ऊपर फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि इस बार स्क्वायर शेप में है, राउंड शेप में नहीं है, उसके ऊपर हमारे पास 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, साथ ही LED फ्लैश। आप देख सकते हैं डिवाइस देखने में काफी ठीक लग रहा है। आइए जल्दी से बॉक्स की बाकी चीजों पर नजर डालते हैं। ये हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स, साथ ही ये हमारी इजेक्शन पिन और ये हमारा ट्रेवल अडैप्टर जो कि 5 वॉट का चार्जर है। साथ ही इस डिवाइस के अंदर हमें 3000 mAh की बैटरी मिलती है। ये हमारी माइक्रो USB केबल और ये हमारे नॉर्मल ईयरफोन्स। आइए जल्दी से डिवाइस को स्विच ऑन कर लेते हैं। इसके अंदर हमें फेस रिकॉग्निशन और फिंगरप्रिंट लॉक दोनों मिलते हैं। आइए जल्दी से दोनों को सेटअप कर लेते हैं। ये हमारा डिवाइस हो गया सेटअप। इसके अंदर हमें 5.6 इंच की सुपर एमोलेड स्क्रीन मिलती है जिसके अंदर आपको इन्फिनिटी डिस्प्ले मिलता है, साथ ही HD+ रेजोल्यूशन, उसके साथ 294 पिक्सल डेंसिटी। आप देख सकते हैं सुपर एमोलेड सैमसंग का डिस्प्ले है तो ये काफी ब्राइट है, आपको इसमें पिक्स अपनी अच्छी लगेंगी, वीडियोस अच्छी लगेंगी, सब कुछ देखना काफी मजा आएगा देखने में। ये डिवाइस रन करता है सैमसंग एक्सिनोस 7870 ऑक्टाकोर 1.6 गीगाहर्ट्ज़ के प्रोसेसर के साथ जिसके अंदर आपको मेली T830 के ग्राफिक्स मिलते हैं, उसके साथ एंड्रॉइड 8। हमारे पास 3 GB रैम 32 GB इंटरनल मेमोरी वाला वेरिएंट है, वैसे आपको 4 GB रैम 64 GB इंटरनल मेमोरी वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है जिसको आप 256 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं डेडिकेटेड स्लॉट के थ्रू। अगर मैं यूजर अवेलेबिलिटी इंटरनल मेमोरी की बात करूं तो हमें 22.8 GB इंटरनल मेमोरी फ्री मिलती है। आइए जल्दी से डिवाइस की साउंड पर नजर डालते हैं। आप देख सकते हैं डिवाइस के रिंगटोन्स की साउंड काफी तेज आ रही है।
साथ ही इस डिवाइस के अंदर हमें वाईफाई, वाईफाई डायरेक्ट, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट जैसे फीचर्स मिलते हैं और उसके साथ आपको मिलता है एक्सेलेरोमीटर, हॉल सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर। साथ ही इस डिवाइस के अंदर आपको सैमसंग पे और चैट ऑन फीचर भी मिलता है। सैमसंग पे से आप पेमेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, और जो हमारा चैट ऑन वीडियो फीचर है उससे आप जब भी कोई वीडियो देख रहे हो इस डिवाइस के अंदर तो उसके ऊपर ही आपकी चैटिंग स्टार्ट हो सकती है, जो कि काफ़ी बढ़िया फीचर है। एक किस्म से इसको कह सकते हैं कि मल्टीटास्किंग है, कि वीडियो देखते समय आप चैटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो ये मल्टीटास्किंग से बेटर है। और ये फीचर सैमसंग ने आपको इस 14,000 के डिवाइस में दिया है। इसके साथ आपको इस डिवाइस के अंदर वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी मिलती है 9 मंथ्स के लिए। आइए डिवाइस के फेस अनलॉक को ट्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये थोड़ा स्लो है, जो हमारे 20,000 से 25,000 रुपए वाले डिवाइसेस होते हैं उनके हिसाब से ये स्लो लग रहा है। सैमसंग का डिवाइस है तो ऐसे नहीं कुछ ज़्यादा स्लो है, 1 सेकंड के बाद तो खोल ही रहा है। अगर आपके पास 20,000 से 25,000 रुपए वाले डिवाइसेस ऑलरेडी हैं तो आपको ये थोड़ा स्लो लगेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर आप देख सकते हैं वो हमारा काफ़ी क्विक है। अब दोनों में से किसी भी लॉक को यूज़ कर सकते हैं या फिर दोनों लॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। आइए जल्दी से डिवाइस के कैमरा पे नजर डालते हैं। इस डिवाइस के बैक में हमें मिलता है 13 मेगापिक्सल का कैमरा जिसका f1.9 है, और फ्रंट में हमें मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा और उसका भी f1.9 है। साथ ही इसके अंदर आपको काफी सारे फीचर्स मिलते हैं जैसे कि कंटिन्यू शूटिंग, पैनोरमा शॉट, HDR मोड, ब्यूटी मोड, स्टिकर्स, नाइट मोड, HDR मोड, उसके साथ ब्यूटी मोड, साथ ही टाइमर, जियो टैगिंग और उसके साथ फ्लोटिंग कैमरा बटन। फ्रंट कैमरे के अंदर आपको मिलते हैं, फ्रंट कैमरे के लिए आपको ब्यूटी मोड मिलता है, बुके मोड मिलता है, स्टिकर्स मिलते हैं, काफी सारे इमोजीज मिलते हैं, वाइड सेल्फी मोड मिलता है। आप देख सकते हैं हमने हर मोड में पिक ली है और हर मोड में इसकी पिक काफी अच्छी लग रही है। 14,000 रुपए का बजट डिवाइस है ये, लेकिन इसके अंदर हमें सैमसंग की क्वालिटी देखने को मिल रही है। सो गाइस, ये था हमारा सैमसंग J6। 14,000 रुपए के बजट में आपको बढ़िया पैकेज दे रहा है सैमसंग, और पहली बार आपको 18:9 वाला डिस्प्ले भी दे रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। इसको हमें किसी भी चाइनीज ब्रांड के साथ नहीं मैच करना चाहिए, क्योंकि ये सैमसंग का डिवाइस है, इनकी क्वालिटी अलग ही होती है, इनकी लाइफ अलग ही होती है। इसको खरीदने का लिंक मैंने नीचे दिया है, आप इसको बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं और ट्राई करिएगा कि आपको ICICI बैंक का कार्ड मिल जाए ताकि आपको डिस्काउंट भी मिल जाए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द वापस आऊँगी और भी वीडियोज़ के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।